हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आपको पता है आज का आपने थंबनेल तो ऑलरेडी देख ही लिया होगा, मैंने एक रेमन का गॉगल लिया है एज यू कैन सी इन दिस वीडियो। तो चलिए आज इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसका शेप लुक कैसी है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो इनसाइड दिस आई एम गोइंग टू हैव अ पाउच काइंड ऑफ दिस एंड इसके अंदर हमारा मिरर हो गया और ये कमी क्लोथ दिया हुआ है तो इसके मिरर्स को क्लीन करने के लिए, और एक है वारंटी कार्ड। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इस रेमन के ग्लासेस के साथ। तो ये जो है ये है एविएटर, इसका डिज़ाइन गोल्ड मिरर है ये ना, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। 100% यूवी प्रोटेक्शन और सनग्लासेस वीज़ा, और कुछ लगाने के बाद ही इस तरीके से है। काफ़ी कूल लगे मुझे तो मैंने ले लिए एंड इट्स लाइक दिस। एविएटर, मुझे बहुत ज़्यादा सनग्लासेस पसंद है तो मैंने इस बार एविएटर चूज़ किया है। आप कुछ इसमें बहुत सारे शेप्स वगैरह भी आते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोग भी परचेज करने जाते हैं। इसका MRP है, इसका मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है सेप्टेम्बर 2022, और इसका MRP है 8690। एज यू कैन सी इसका MRP 8690 है। इन ग्लासेस की बहुत सारी खूबियाँ आप लोगों को जिसे पता ही है। आपको क्या करना है, क्लीन द फ्रेम ऑफ योर रेबन ग्लासेस रेगुलरली टू अवॉइड कॉरोजन कॉज बाय डस्ट, ग्राइम एंड स्वेट। आपको रेगुलर बेसिस में इसको क्लीन करते रहना है। फॉर क्लियर एंड कम्फर्ट विजन यूज सॉफ्ट क्लोथ आई ग्लास क्लीनिंग टिश्यू टू वाइप डस्ट और लिंट फ्रॉम द ग्लासेस। आप लोगों को पतले वाले जो वाइप्स आते हैं उनसे भी इसकी ग्लासेस को क्लीन करते रहना है ताकि लॉन्ग टाइम तक चलते रहे। कीप योर रेबन सन ग्लासेस इन द ओरिजिनल रेबन केस में, नॉट इन यूज। जब आपका यूज में ना हो तो आपको इसको वापस से इसी के केस में आपको रखना है सो दैट इसकी जो लाइफ हो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो। गेट द फ्रेम ऑफ योर रेबन सनग्लासेस एडजस्टेड पीरियोडिकली। इसका जो होगा फ्रेम जो है एडजस्टेड होना चाहिए पीरियोडिकली, ये भी आपको ध्यान रखना है इसका। और आपको अब क्या नहीं करना है, डू नॉट यूज योर फिंगर नेल्स और रफ फैब्रिक्स लाइक वुल और डेनिम्स टू क्लीन द लेंसेज और टू रिमूव स्टॉप ब्लॉन स्टेन्स। आपको इसमें अपने फिंगर नेल्स और रफ फैब्रिक्स जैसे कि ऊनी या तो डेनिम्स जो जीन्स वगैरह होते हैं वो आपको कभी भी इसके ऊपर यूज़ नहीं करना है इसके स्टेन्स को निकालने के लिए। यू शुड ऑलवेज हैज दिस थिंग कीप्ड इन माइंड कि आप लोगों को इसके जो सनग्लासेस हैं वो हमेशा जो इसके साथ जो क्लोथ मिला है आप उसी से करेंगे, या तो वो जो वाइप्स आती हैं आप उससे इससे ग्लासेस को क्लीन करेंगे। डू नॉट पुट योर रेबन सनग्लासेस ऑन टॉप ऑफ योर हेड, डूइंग सो विल स्ट्रेच द टेम्पल्स ऑफ योर सनग्लासेस। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जब नॉट इन यूज वी यूज टू कीप इट इन हेड ना, तो वो भी हमें नहीं करना है क्योंकि इसका क्या होगा ना, सब स्ट्रेच हो जाएगा जिसके टेम्पल्स हैं ना, तो हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। डू नॉट लीव योर रेबन सनग्लासेस फेस डाउन ऑन टेबल और इन हीटेड एरियाज लाइक द डैशबोर्ड ऑफ ए कार। कभी भी जो कार के आगे जो डैशबोर्ड होता है उसमें भी अपनी सनग्लासेस को आप लोग ना रखिए, वो भी आप लोग अवॉइड करें तो आपका जो सनग्लासेस की लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। सो गाइज, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा इन रेबन के ग्लासेस के साथ। तो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बाई दिस यू कैन गो एंड हैव दिस वन। अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा कूल है, कंपैटिबल है, ईजी टू वेयर है, ईजी टू कैरी है, लाइट वेटेड है, और आइज में ना भारीपन सा नहीं लगता आप लोगों को। और इसका जो ग्लास है ना, धूप में जाते अलग शेड का हो जाता है, जब आप वैसे कमरे में आते तो अलग शेड का हो जाता है। कलर चेंजिंग भी है ये, तो आप लोग ये जस्ट गो फॉर इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मुझे बहुत पसंद आया, आप लोग भी लीजिए, इन्जॉय करिए इस गॉगल्स को। तो गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक दिस रेबन रिव्यू। और डूज और डोंट तो मैंने आपको पढ़ के बता ही दिए हैं, जब आप लोग खरीदेंगे तो आपको भी ऐसा एक पैम्पलेट मिल जाएगा तो आप लोग भी इसमें पढ़ लेंगे, और जब आप इसको बाय करेंगे तो इसमें आप लोग को ऑलरेडी एक स्टैम्प लगा के भी मिल जाएगा कि
इन फ्यूचर आप इसका कुछ वारंटी गारंटी हो तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं. द लेंसेज ऑफ रेबन सनग्लासेस हैव बीन स्पेशली ट्रीटेड टू मेक देम इम्पैक्ट रेजिस्टेंस. एवरी रेबन लेंसेज इज टेस्टेड फ्रॉम इम्पैक्ट रेजिस्टेंस बाय ड्रॉपिंग अ 16 mm डायमीटर स्टील बॉल वेटिंग नॉट लेस देन 15.9 ग्राम from 50 inches height on the lens. However, they should not be considered as breakable shield against impacts. ये जो आप लेंगे ना इसमें सारी डिटेल्स आपको इस ग्लासेस की मिल जाएंगी ऑलरेडी. कंडीशंस ऑफ वारंटी. दिस वारंटी विल ऑटोमेटिकली टर्मिनेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ द वारंटी पीरियड इवन इफ द सन ग्लासेस हैव नॉट बीन इन यूज इन द स्पेसिफाइड पीरियड. इसमें सारा आपको डिटेल्स मिल जाएंगी. इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर सन ग्लासेस देन गो फॉर दिस रेबन सन ग्लासेस. मैंने एविटल लिया है, आपका जो मन करे आप ले सकते हैं. थैंक यू सो मच दोज हु आर सपोर्टिंग मी टिल दिस. और भी अपकमिंग वीडियोस, प्रोडक्ट रिव्यूज और ट्रैवलिंग वीडियोस आती रहेंगी. स्टे ट्यून्ड, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. जय हिंद.